हाँ तो विकास भाई कैसा लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्लॉगिंग टेल्स में। दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है फ्रॉम बीकानेर टू पानीपत, और जिस ट्रेन से हम सफ़र कर रहे हैं उसका नाम है 14717 बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस। दोस्तों अगर मैं बात करूँ बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस की, तो ये बीकानेर से हरिद्वार के बीच में लगभग 755 किलोमीटर की दूरी तय करती है और लगभग ये 15 घंटे और 35 मिनट में ये सफ़र तय करती है। ये ट्रेन हमें बीकानेर से पानीपत पहुँचा देती है 10 घंटे और 5 मिनट में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ बीकानेर जंक्शन की, तो इसे ओपन किया गया था 1891 में। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर 26 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है, 24 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बीकानेर से सूरतगढ़, रतनगढ़ और मेड़ता रोड के लिए लाइन्स निकलती है, इसलिए हम इसे बीकानेर जंक्शन कहते हैं। दोस्तों बीकानेर डिवीजन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप बीकानेर जंक्शन पर भी इस काम को होता हुआ देख सकते हैं। तो बीकानेर डिवीजन के 100% इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव बहुत ही रेयरली दिखाई देंगे, इसलिए बीकानेर डिवीजन में डीजल लोकोमोटिव की ट्रेन्स में हमारी जो भी जर्नी अब आगे होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल होगी। दोस्तों इस ट्रेन के बीकानेर से डिपार्चर का जो टाइम है वो है 23:25 और ये हमें पानीपत पहुँचा देगी सुबह 9:30 में। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये सफ़र कैसा होने वाला है, चलें। जरा विकास भाई की तरफ कैमरा किया जाए। अरे विकास भाई यार इधर तो आओ। दोस्तों आज की हमारी जर्नी जो है थोड़ी स्पेशल हो गई है क्योंकि हमारे साथ एक नए सदस्य जुड़ चुके हैं, विकास भाई। विकास भाई तो कैसा लग रहा है आपको आज हमारे साथ सफ़र करके? अरे भाई मेरी तरफ मैं बोलता हूँ। दोस्तों क्या है कि अरे करना मेरी तरफ, इनको थोड़ा व्लॉग में आने में शर्म आती है इसलिए अभी ये पहली बार थोड़ा शर्मा रहे हैं। हाँ तो विकास भाई कैसा लग रहा है? विकास भाई दोस्तों आज जो है बीकानेर स्टेशन पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और हमारी ट्रेन जो है वो भी लगभग पूरी खाली ही जा रही है, तो ये जर्नी जो है बहुत ही बढ़िया होने वाली है। विकास भाई ठंड में सफ़र करके आज आपको कैसा लग रहा है, कुछ तो टिप्पणी कीजिए यार। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ वो आपकी जैकेट देख के पता भी लग रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, आप दोस्तों वैसे तो अभी तक इस स्टेशन पे बहुत ही शांति बनी हुई थी लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ की शांति को पूरी तरीके से भंग कर दिया है और लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, जो कि एक बिल्कुल भी सही बात नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ है नहीं और ये जो ट्रेन है वो ICF कोचेस के साथ चल रही है। अभी जो ये बीकानेर से ही चलती है तो इसमें अभी साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक है और पानी वानी भी पूरा अच्छे से आ रहा है। दोस्तों आपको आपका थोपड़ा देखने के लिए मिरर दिया गया है, खाने पीने के लिए आपको टेबल दी गई है, जिस दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है, इसके पहले हॉल्ट है श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर जिसका कि स्टेशन कोड है STGH। यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर 28 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है, कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती। और बात रही यहाँ पर रुकने की, तो हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था। दोस्तों तो रात के 12:30 बज चुके हैं, तो हम जानते हैं विकास भाई और आकाश भाई से कि ठंड की क्या स्थिति है इस ट्रेन में।
तो जैसा कि आप हमारे हुलिये से पहचान सकते हैं कि ठंड बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है और हम पूरा इंतजाम करके बैठे हैं। बाकी और विकास भाई आपको बताएंगे क्योंकि आज हमारे साथ नए नए जुड़े हैं। और जो विकास भाई हैं, ये जब घर से हम निकल रहे थे तो ये ऐसे कह रहे थे कि अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, शर्ट में काम चल जाएगा यार, ये जैकेट वैकेट रख दे। तो फिर भी लेकिन हमने इनकी फिक्र करते हुए हमने जैकेट रख ली, तो अब ये जैकेट भी ले चुके हैं और दो कंबल इन्होंने एक्स्ट्रा खुद काम में लेंगे। तो अब ये बताएंगे कि ये जैकेट लाना और ये जो सिर पे आप देख रहे हैं ये भी हमारी देन है, तो इसकी वजह से इनको अब क्या मदद मिली है? बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है, बहुत ही सहारा मिला है। मैं तो ठंड के मारे मर जाता यहाँ पे, बट आकाश भाई ने बहुत ज़्यादा मेरी मतलब सहायता करी है। मैं तो बोल रहा था इसको कि मत ले, बट इसने मेरी तरफ देखा कि चल ले लेते हैं, इसको ज़रूरत पड़ेगी। ये जर्नी करते रहते हैं तो इनको कुछ आइडिया है, मैं तो कभी कभी आता हूँ तो इतना आइडिया है नहीं। बाकी बढ़िया करा इन्होंने, ले लिया और ये भी मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प कर रहा है सर्दी में बचने के लिए। स्लीपर बोगी में जो ठंड की स्थिति है वो कैसी है, मतलब कितनी ठंड लग रही है आपको? ठंड तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है, बट ये पहना हुआ है तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। बाकी ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, अभी हम देख ही सकते हो आप कैसे हम बैठे हुए हैं। और जो रह के जो हवा आती है ना थोड़ी थोड़ी, उससे बड़ी दिक्कत होती है यार। तो बहुत ज़ोर से हवा आ जाए, भले अभी खिड़की से बू बाहर निकाल के मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन जो अंदर बैठने में थोड़ी थोड़ी हवा आती है ना, उससे बड़ी दिक्कत होती है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरा हुलिया भी देख ही सकते हैं, सारी की सारी जो है गियर हमने पहन लिया है ठंड से बचने के लिए, ये जैकेट टोपी सब कुछ। तो अगर आप भी अभी इस टाइम पे ट्रैवल करते हैं तो ज़रूर से अपने लिए ये सारी व्यवस्था करके चलें, नहीं तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विकास भाई की तरह डेयरिंग बिल्कुल भी ना बने। ठंड का जो है वो ज़बरदस्त मुजरा चल रहा है, मतलब मुजाहरा चल रहा है। तो अभी तो सर्दियों की शुरुआत ही हुई है और अभी से ही हमारा ये हाल हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो है स्लीपर और जनरल क्लास में सफ़र करने वाले यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अरे तो इधर से घुस जाओ ना यार, क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके तीसरे हॉल्ट पर, जिसका नाम है रतनगढ़ जंक्शन। रतनगढ़ जंक्शन का स्टेशन कोड है RTGH। यहाँ पर हमारी ट्रेन ने हमको 3 मिनट पहले ही पहुँचा दिया है। इसका टाइम था 1:10 का, लेकिन इसने 1:07 पर हमको पहुँचा दिया है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, तो फिर दिखाते हैं इसका डिपार्चर। तो दोस्तों, कुछ खाने पीने के स्नैक्स यहाँ से ले लिए हैं। एक तो ये कुरकुरे है और एक ब्रिटानिया का स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट जो कि 10 रुपये का है, और एक ही टेन रन जो कि 20 रुपये का है। दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके चौथे हॉल्ट चूरू जंक्शन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है CUR। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर 44 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है, 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। दोस्तों, चूरू से सीकर, रतनगढ़ और सादुलपुर के लिए लाइंस निकलती है, इसीलिए हम चूरू को चूरू जंक्शन कहते हैं। चूरू आने का हमारी ट्रेन का समय था वो 1:55 था, लेकिन इसने हमें यहाँ पर 5 मिनट पहले ही पहुँचा दिया 1:50 पर। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद का जो स्टेशन है वो है सादुलपुर जंक्शन, जो कि लगभग 3 बजे के आसपास आएगा, और वो राजस्थान स्टेट में पड़ने वाला इस ट्रेन का आखिरी जंक्शन है, और इसके बाद वो ट्रेन हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। तो इसीलिए हो सकता है हम तब तक जगह ना रहें तो उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे, और अगर जगह रहे तो कवर कर भी लेंगे। तो सुबह जहाँ पर भी हमारी नींद खुलेगी, मिलते हैं आपसे उधर से ही, और वहीं से फिर हम ब्लॉग को रिज्यूम करेंगे।
हाँ तो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी जब हम सोने ही वाले हैं तो फिर हमने स्नैक्स क्यों ख़रीदा, तो हमने इसलिए ख़रीदा क्योंकि अभी हमें भूख लग रही है और खाने से पहले हम सोते नहीं हैं, इसलिए हम खा पी के ही सोएंगे। तो आप चिंता मत कीजिएगा, तो मिलते हैं आपसे फिर सुबह। दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके पांचवें हॉल्ट सादुलपुर जंक्शन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है SDLP। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर 52 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। यहाँ से 3 ट्रेन ओरिजिनेट और 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन के यहाँ आने का समय था 2:50, लेकिन इसने हमें 7 मिनट की देरी के साथ यहाँ पर पहुँचाया है और हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और सादुलपुर जंक्शन जो है, ये हमारी ट्रेन का राजस्थान स्टेट में पड़ने वाला आखिरी हॉल्ट है और उसके बाद हम जो है हरियाणा स्टेट में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर जो इसका हमारी ट्रेन का हॉल्ट है वो है हिसार जंक्शन। दोस्तों, सादुलपुर से चूरू, लोहारू और हिसार के लिए लाइंस निकलती है, इसीलिए हम इसे सादुलपुर जंक्शन कहते हैं। दोस्तों, जो ठंड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और आकाश भाई के हाथ भी जो हैं वो वीडियो बनाते हुए बहुत ही कांप रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग। के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले, कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय समय हो रहा है 7:37 और हमारी ट्रेन आ चुकी है रोहतक जंक्शन पर, जो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये नॉर्दर्न रेलवेज़ के दिल्ली डिवीज़न के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रोहतक जंक्शन की, तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर 74 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और 11 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन के यहाँ आने का समय था 7:15, लेकिन इसने हमें पूरे 22 मिनट की देरी के साथ यहाँ पर पहुँचाया है और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है। Thank you.
दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है गोहाना जंक्शन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है GHNA। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पर 25 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। यहाँ पर हमारी ट्रेन के आने का समय था 7:53 और इसने हमें पूरे 22 मिनट की देरी के साथ यहाँ पर पहुँचाया है। और हमारी ट्रेन निकल चुकी है, तो अब हम भी ट्रेन में चढ़ते हैं। चढ़ जाए दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो पानीपत जंक्शन लगभग पहुंच ही चुकी है, लेकिन शायद क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से इसे आउटर पर रोक के रखा गया है। पता नहीं अब इसे यहाँ पर कितनी देर रोका जाएगा। दोस्तों तो हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके 11वें हॉल्ट पानीपत जंक्शन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है PNP। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर 87 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। 10 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। वैसे हमारी ट्रेन के यहाँ आने का टाइम था 9:30, लेकिन इसने हमें पूरे आधे घंटे की देरी के साथ यहाँ पर पहुँचाया है, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो आउटर पर आधे घंटे तक के लिए रुक गई थी। तो विकास भाई के साथ जो हमारी ये पहली जर्नी थी वो आज पूरी हुई। तो विकास भाई कैसा लगा आपको जर्नी में? बहुत ही अच्छा लगा, मैं तो सो गया था, मेरे को तो कुछ पता नहीं चला। इनका समय तो सोते सोते ही निकल गया। और ये इस ट्रेन का जो है यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट का होल्ड था, और 3 मिनट के होल्ड के बाद ये ट्रेन यहाँ से आप देख रहे हैं जा रही है। ब्रेड पकौड़े बहुत भी अच्छे जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और जर्नी पर, तब तक के लिए साइन ऑफ, जय हिंद। दोस्तों पानीपत जंक्शन पर हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर तली हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बेची जा रही है, स्पेशली ब्रेड पकौड़ा। यहाँ पर हर दूसरा स्टॉल ब्रेड पकौड़े का ही है और पहला भी। गौर से देखिए।
देखा तो नहीं? नहीं देखा, फटाफट उठा के रख लेता हूँ।